जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आपको मेडिकल लाइन के 5 ऐसे कोर्स बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप महीने के लाखों रुपए कमाने वाले हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में या फिर अपने बिजनेस के रूप में। और ये वो कोर्सेज हैं जिसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। और आपने यदि नीट का एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप इन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 12th पीसीबी के बाद आज के समय में कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले कोर्स के बारे में। तो साथियों, सबसे पहला कोर्स है आज की डेट में, जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा जो जॉब है वो है सिटिंग की जॉब। सिटिंग की जॉब है तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, बॉडी नहीं उठ रही है, बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो उन सबके लिए जो आज की डेट में डॉक्टर की आवश्यकता होती है तो वो होती है फिजियोथेरापिस्ट की। तो यानी कि आप बीपीटी कर सकते हैं। बीपीटी करने के बाद में आज की डेट में जो स्कोप है बहुत अच्छा है, और इसका जो स्कोप है आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। जो स्कोप है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। बीपीटी करने के बाद में आप स्पोर्ट्स की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। जितने भी गेम होते हैं सभी गेम्स में फिजियोथेरेपिस्ट होते ही होते हैं। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, उन्होंने अपने अलग पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखे होते हैं। तो यानी कि स्पोर्ट्स फील्ड में भी आपका बहुत अच्छा करियर है। आप बीपीटी कोर्स कर सकते हैं और बीपीटी करने के बाद में अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हैं। यानी कि बीपीटी एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, उसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, अपना आप क्लिनिक खोल सकते हैं। और साथ के साथ मैंने जैसे कि आपको बताया स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा इसमें स्कोप है। तो यानी कि आप बीपीटी करके अपना करियर बना सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। इससे आगे बात करेंगे साथियों दूसरे कोर्स की, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। ये जो स्कॉलरशिप होती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी बच्चों से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इससे आगे बात करें साथियों दूसरे कोर्स की, तो आप फार्मेसी की तरफ जा सकते हैं। डी फार्मा या बी फार्मा करके आप अपना करियर बना सकते हैं। डी फार्मा यदि आप करते हैं तो डी फार्मा करके आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। आप जो फार्मेसी होती है आपके जो जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जॉब कर सकते हैं। फार्मेसी डी फार्मा करने के बाद में आप अपना लाइसेंस लेकर के आप अपना फार्मेसी में बिजनेस कर सकते हैं। और फार्मेसी का बिजनेस आज की डेट में बहुत अच्छा चलता है जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आप डी फार्मा या बी फार्मा करके अपना मेडिकल फील्ड में करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों तीसरे करियर ऑप्शन की, तो तीसरा करियर ऑप्शन है साथियों आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। जब से कोविड आया है तब से इस कोर्स का जो स्कोप है काफी ज्यादा बढ़ गया है, और आने वाले समय में जो इसका स्कोप है बढ़ता ही रहेगा। आपको पता है आज के समय में तरह तरह की बीमारियां चल रही है, बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां चल रही है। तो कोविड के बाद से इस कोर्स का जो स्कोप है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और आने वाला जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों फोर्थ करियर ऑप्शन की, तो फोर्थ करियर ऑप्शन है साथियों आप बीएससी बायोटेक कर सकते हैं। बीएससी बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी एक ही बात है, तो इसको करके आप अपना करियर बना सकते हैं। बात करें साथियों फिफ्थ करियर ऑप्शन की, तो फिफ्थ करियर ऑप्शन है साथियों आज की डेट में पैरामेडिकल कोर्स करके आप अपना करियर बना सकते हैं। पैरामेडिकल में तरह तरह के डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज कराए जाते हैं, उनको करने के बाद आप अपना करियर बना सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो साथियों यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उसमें वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।